हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। मैं हूँ आपके साथ समर। दोस्तों, कंट्रोवर्शियल रियलिटी शो बिग बॉस 17 के ग्रैंड फिनाले खत्म हो गया है और इससे पहले विनर के नाम का खुलासा भी हो गया है। इस सीजन के टॉप 5 में अंकिता लोखंडे, मुनव्वर फारूकी, अभिषेक कुमार, मन्नारा चोपड़ा और अरुण माशेट्टी ने जगह बनाई थी, लेकिन फिनाले में एक एक करके चार कंटेस्टेंट का पत्ता कट गया। बिग बॉस 17 के विनर की ट्रॉफी मुनव्वर फारूकी ने सबको पछाड़ कर हासिल कर ली है। लॉकअप सीजन के एक के बाद मुनव्वर फारूकी बिग बॉस के 17वें सीजन के विनर बन गए हैं। मुनव्वर फारूकी ने ग्रैंड फिनाले में अभिषेक कुमार को मात दी और ट्रॉफी हासिल की। रियलिटी शो में बिग बॉस 17 के ग्रैंड फिनाले में बेशक टॉप 5 कंटेस्टेंट ने जगह बनाई, लेकिन सलमान खान के साथ आखिरी में मुनव्वर फारूकी और अभिषेक कुमार नजर आए। मुनव्वर और अभिषेक टॉप 2 में जगह बनाने में कामयाब रहे, जिसके बाद मुनव्वर ने अभिषेक को हराते हुए शो को अपने नाम किया। मुनव्वर फारूकी को एक चमचमाती ट्रॉफी के साथ 50 लाख का चेक और हुंडई की एक क्रेटा कार मिली है। मुनव्वर फारूकी की जीत के बाद फैंस ने सोशल मीडिया पर कॉमेडियन को बधाई देनी शुरू कर दी है। ट्विटर पर लगातार मुनव्वर का नाम ट्रेंड कर रहा है। इतना ही नहीं, फैंस मुनव्वर की जीत को उनका बर्थडे गिफ्ट बता रहे हैं। बता दें कि बिग बॉस 17 के विनर मुनव्वर फारूकी मशहूर स्टैंड अप कॉमेडियन हैं, जो अपनी शायरी से भी लोगों का दिल जीत लेते हैं। मुनव्वर की स्टैंड अप कॉमेडी काफ़ी पसंद की जाती है और इसी वजह से उनके शोज लगभग हर बार हाउसफुल रहते हैं। मुनव्वर बिग बॉस 17 से पहले कंगना रनौत के शो लॉकअप सीजन 1 में नजर आए थे, जिसमें उनका खेल हर किसी को पसंद आया। इस शो की ट्रॉफी मुनव्वर ने अपने नाम की, जिसके बाद ही कॉमेडियन की पॉपुलैरिटी में चार चांद लग गए। इन सब के बीच मुनव्वर फारूकी का नाम कई कंट्रोवर्सी से भी जुड़ा हुआ है। इसके बाद लोगों का प्यार मुनव्वर फारूकी को भर भर कर मिलता है। लगातार अपडेट रहने के लिए बने रहिए अराइव 24 टीवी के साथ। शुक्रिया।